खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है, जहां शास्त्री घाट पर सद्गुरु रविदास प्राचीन द्रविण आश्रम के तत्वाधान में शिवपुर छत्रीपुर के क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके पास एक नोटिस आया है, जिसमें उनके आशियानों को तोड़े जाने की बात कही गई है। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि वे लोग छत्रीपुर में काफी समय से रह रहे हैं, जहां उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी दिया गया था, जिसका वे लोग बिजली का बिल, हाउस टैक्स और पानी के बिल समय पर भरते हैं। लेकिन अब अचानक से उन्हें नोटिस दिया गया है, जिसमें उनके मकान को तोड़े जाने की बात कही गई है, जिसके विरोध में वे लोग शास्त्री घाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको राशन भी मिलता है, हमारे सब कार्ड हैं, सुनो जी, हमारे सब कार्ड हैं और सभी के पास कार्ड हैं, सबको राशन प्राप्त होता है। हम इनकम टैक्स, गृह टैक्स, पानी का टैक्स सब हम देते चले आ रहे हैं और उस पे हम आबाद चले आ रहे हैं। हमको यह सरकार आवास भी दी है और इनके जो अधिकारी लोग हैं हमको नोटिस देते हैं कि यह मकान तोड़ा जाए। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है यह सरकार हमारी मांग को स्वीकार करे या आवास तोड़ा न जाए, हमको उजाड़ा न जाए, यही मेरी मांग है। आपको बता दें कि प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांग है कि उनके मकानों को न तोड़ा जाए, इस मामले में सरकार जांच बैठाए और कार्यवाही की जाए। उनका कहना है कि इन मकानों के अलावा उनके पास कोई और मकान नहीं है।